हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बिहार जी के स्टडी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो उनमें से सबसे पहले जो नदी आती है वो कर्मनाशा नदी है, जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और इसका मुहाना जो है वो चौसा बक्सर में है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। जी हाँ, वही चौसा जहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट जो हमारी नदी है सोन नदी, जो कि बिहार की काफ़ी चर्चित नदियों में से एक है। और इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और ये दानापुर में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं पुनपुन नदी, ये नदी भी जो है वो पठारी भाग मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और फतुहा नामक जगह पर, जो कि पटना के पास में है, वहाँ गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो दो नदियाँ जो हैं जो मध्य प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, एक है आपका सोन नदी, दूसरी है पुनपुन नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फल्गु नदी। ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और इतिहास में इसका काफ़ी नाम रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी नदी के पास में हुई थी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर की पठारी, यानी कि झारखंड से होते हुए नदी बिहार में प्रवेश करती है और ताल क्षेत्र में आकर गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। तो ये चार नदियाँ थी प्रमुख नदी, जो कि दक्षिण बिहार के प्रमुख नदियों में से है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बिहार के कुछ प्रमुख नहरों के बारे में। ठीक है, तो देखिए आगे हम आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि कुछ नहरें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इनके नाम महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सबसे पहले जो नहर है वो त्रिवेणी नहर है, जो कि गंडक नदी पर है। सारण नहर जो है वो भी गंडक नदी से ही निकाली गई है। तिरहुत नहर जो है वो भी गंडक नदी से ही निकाली गई है। और तेउर नहर ये भी गंडक नदी से ही निकाली जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि पांच नहरों में से चार नहरें जो है वो गंडक नदी से ही निकाली गई हैं, और एक नहर है कोसी नदी से निकाली गई है, जिसका नाम है राजपुर नहर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोसी नदी से दो नहरें और निकाली गई हैं, जिनका नाम मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उनका नाम जो है वो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सोन नदी से भी कुछ नहरें निकाली गई हैं। और आपको बता दूं मैं कि सोन नदी ही ऐसी एक नदी है बिहार में जिस पर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया था, और वहाँ से ही दो नहरें निकाली गई हैं, जिनका नाम है पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो ये बिहार की कुछ प्रमुख नहरें थी। इसके अलावा भी और छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, जैसे कि कमला नदी से कमला नहर निकाली गई है। तो वो सब आप लोग नेम से ही गेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो बिहार के नदियों के बारे में, जो कि मैंने दो पार्ट में कवर किया है। आप अगर आप पहले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिहार की नदियों के बारे में बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार से आने वाले और भी जितने सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।